अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेवात आज तक की टीम पहुंची है ऐतिहासिक गांव उटावड़। इस उटावड़ गांव में मैं आपको बता दूं 10,000 वोट हैं यहां पर, और हथीन विधानसभा का ऐतिहासिक गांव है। इन्होंने जिस भी विधानसभा में जिस कैंडिडेट के लिए वोट दिए वही इन्होंने जिताया है। लेकिन अब यहाँ पर केवल जो हमारी ये जो सर्वे चल रही है ये है विधानसभा को लेकर के, 17वीं लोकसभा चुनाव सिर पर है और हम यहाँ पर जो वोटर हैं उनका रुझान जानना चाहेंगे, इसीलिए हम आज पहुँचे हैं उटावड़ चौक पर। ये दादा बहाड़ का ऐतिहासिक स्मारक जो हम अपने कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे, कहना चाहेंगे वो दिखाएं, ये दादा पहाड़ का ऐतिहासिक स्मारक। और यहाँ पर हम ये मतदाता हमारे सामने खड़े हुए, इनसे इनकी राय जानना चाहेंगे, क्या राय है इनकी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? आमीन है। आमीन साहब, ये 17वीं लोकसभा चुनाव अब आपके सिर पर है, बहुत जल्दी में वोट डलेंगे, कौन सी पार्टी को वोट देना चाहोगे आप? हम तो यही कह रहे हैं जो अच्छी पार्टी आनी चाहिए, गंदी पार्टी हमें ना चाहिए, चाहे मोदी हो चाहे कांग्रेस हो कोई भी पार्टी है, अच्छी आनी चाहिए, अच्छा हो, गरीबों को संबंधवान करे सबके लिए। अच्छी पार्टी आएगी तो आगे भी चलेगी, गंदी आएगी तो बात तक नहीं चलेगी। बताओ आपकी नजरों में फिर अच्छी पार्टी वो कौन सी है? जी अब तो आने वाली बात ही बताएगी जो जितने भी है। आप किसको वोट देना चाहेंगे? मोदी को देना चाहेंगे, राहुल को देना चाहेंगे? हमें तो या कोई तीसरा विकल्प? हमें तो यही है, चाहे राहुल अच्छा आदमी है तो राहुल आना चाहिए। मोदी ने क्या करा इस देश में? सारे गरीब सारे पेड़ दिए, क्या करा बताओ भाई। हाँ जी, आपका क्या नाम है? जुबैर खान। जुबैर खान, जुबैर जी, कौन सी पार्टी को वोट देना चाहोगे? कांग्रेस देना चाहेंगे, कांग्रेस को देना चाहेंगे। हाँ जी, ये हमारे सामने एक दिव्यांग है, आप पहली बार वोट करेंगे या पहले भी आपने वोट किया है? पहले भी वोट करता आया हूँ। अच्छा, करते आ रहे हो, तो कौन सी पार्टी के लिए आप वोट करोगे? वोट हम कांग्रेस के लिए करते हैं और कांग्रेस के लिए करेंगे। अच्छा अच्छा जी, आपका क्या नाम है? असरुद्दीन। असरुद्दीन साहब, किसको वोट करोगे आप? कांग्रेस को देते हैं जी हम तो वोट, कांग्रेस को।